तबीयू का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक? जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद का दिन है, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं तैयार श्यार होके नमाज तो पढ़ लिया था मैंने, लेकिन अभी नहला धोला के तैयार हुआ हूँ। तो अभी फैमिली वालों के साथ जो है ना मिलेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, फिर उसके बाद नमाज के लिए जाएंगे ईद की नमाज, और बाकी सबको फिर वहाँ पर ईद की मुबारकबादी देंगे। तो अभी मैंने जो है ना ये चप्पल खरीद ली थी 470 से, ऐसे मज़े के हैं ना। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे। अच्छा जी, तो मैं सब घर वालों के साथ मिल चुका हूँ। अभी जो है ना नमाज के लिए टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ कि अबू की कब्र पे जाके ना वहाँ पर दुआ कर लेंगे, तो फिर वहाँ से फ्री हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये भाई भी आया है और ये देख ले आया है। इस ईद पे जो है मौसम अच्छा है, मुझे चावल ले आए, मशहूर मोटे चावल। ये जी लो, ये है जी 470 के मोटे चावल। जैसा कि आप सब लोग हर दफा इसके बारे में सुनते रहते, आप सब लोग देख सकते हैं ये लोग आ रहे हैं नमाज के लिए, लेकिन नमाज के लिए तो अभी टाइम बाकी है और ये सब लोग आ रहे हैं। ये जो सामने आ रहा है ये है इश्तिहार भाई, ये हमारे गांव का आन शान जान सब कुछ है। ईद के दिन भी जो है ना ये सब करना पड़ता है। अच्छा जी, तो मैंने अब्बू और बाकी सब दादा दादी बहन और जो रिश्तेदार है उन सब की कब्र पर दुआ कर ली है, और अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि नमाज के लिए अभी 15-20 मिनट रह गए हैं। तो फिर आगे मिलते हैं व्लॉग में, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो इन ग्रीनरी में जो है ना बहुत प्यारा लगता है। जैसा देख लो आप सब, कितना प्यारा लग रहा है, ये व्यू चेक करें, व्यू नेचुरल फ्रेश एयर। इस ईद पे जो है ना मेरे इस भाई के लिए दुआ करें कि सनान भाई का जो भी अरमान हो वो इस ईद पे पूरा हो जाए। नमाज के लिए टाइम थोड़ा रह गया है, तो मैं और सनान भाई जाते हैं मस्जिद के अंदर, और नमाज के बाद फिर बाकी लोग बनाएंगे शश के चक्कर। ये सब जो है ना आज तैयार तैयार हो क्या है। अब ये सब गले मिल रहे, ईद की ईद का मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को। अब जो है ना सब बाहर आएंगे, हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, सारे गव वाले आएंगे यहाँ से हजरे में जाएंगे। ये है ओकेल, हमने सबको ईद का मुबारकबाद दे दिया है। अब जो है ना सब लोग जा रहे हैं और दूसरे वाले हुजरी की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो हम चलते हैं वहाँ पर, लोग बैठेंगे कि प्रोग्राम वगैरह सेट कर लेते हैं। Oh, oh, oh.
चेक करे भाई, शश के चेक करे। ये है वो दूसरा हुजरा जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये है हमारी गांव का मौलवी साहब, ये भी आ रहे हैं। उस्ताद जी वगैरह बोलो। ये है डॉक्टर सलाल, हमारी गांव का आन शान जान। इसकी मंगनी है, इसकी मंगनी है। ये डीएसपी साहब है, डीएसपी साहब। ये बाबू भैया है, इसने रात को जो है ना चांद देखा है। ये सारे मेरे कजन कड़े है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ मेरा बड़ा चाचा है, ये चाचा है, ये भी चाचा है। माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत सारे कज़न दिए हैं मेरे को। ये है शहीर, ये रहा साद, ये जलान, खुबाब, अब्दुल्ला, संगीत, सलाल, इब्राहिम, अब्दुल कादर और भी है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये देखो रास्ते में ही जो है ना ये ठूस लिए सारे गुलाब जामुन। ये बंदा जो है ना ये ईगल है, ईगल, ये हमारे गांव का ईगल है। अफ्तर दी मुबारक शाह। ये है मुट्टी और जरोवा। नहीं ईद कब है अख्तर का लादे? ये कह रही कि आज ईद है। कपड़े तो लचा गश्ती मामा दला गश्ती थी। ओ पैसे पकिश्ता कम दी, पैसे दिखाओ मुझे, खोल लो। ओ इतने सारे पैसे। नाशी नंबर तौर पर आया स्लो मो के पियो पियो बच्चों पियो गुलचाहत पियो। स्लो मो के और ला रहा है। सब चाय पी रहे हैं, ये सारे मेरे कजन है, सब आई हुई है यहाँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह 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 अकरा पावा। ये दो बबर शेर लाए हैं हम। सारा रमजान दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। इत्तेकाफ में बैठे थे, सिर्फ इबादत कर रहे थे।
ये है अजलाल, ये है मेरे मामू का बेटा। ये आया था ईद के मुबारकबाद देने के लिए, हमसे मिलने के लिए। अब ये घर जा रहा है तो मैंने कहा कि मुझे भी मूसा की हुजरे तक छोड़ दो, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ वहाँ तक। चलो आज मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मैं इनके साथ बैठ गया और हम मूसा के यहाँ जा रहे हैं। लो जी, तो हम पहुँच गए हैं खुर्शीद खान खला में और अब हम मूसा के साथ मिलेंगे, मुबारकबाद देंगे। मैं आया था मूसा से मिलने के लिए और उसे ईद का मुबारकबाद देने के लिए। ईद का मुबारकबाद दो ना मेरे फैंस को। ईद मुबारक मेरे सब फैंस को। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। जज़ाकअल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो सारे मेहमान ख़त्म हो गए हैं आज के लिए, मतलब आएंगे इसके बाद भी, लेकिन जिसने आना था पहले दिन वो सब आ गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सुबह से, जो है ना मेहमान आ रहे थे और जा रहे थे, आपने देखा व्लॉग में। और फिर हमने भी जाना था एक दूसरे के पास। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मैं आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। तो खलास आज के लिए, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।